दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल मल्टीटेक पे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा पोको एक्स 3 के लिए UI प्रो रोम के बारे में, जो कि 12.5 पे बेस्ड होगा। इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल मल्टीटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले आपको, क्योंकि मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले मैं इसका अबाउट पेज आपको दिखा दूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे MIUI Pro 12.5 21.6.0 रोम का पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, जिसको कि जेमी ने पोर्ट किया है, जो कि काफ़ी अच्छा इस टाइम पे रोम हमें देखने को मिल जाता है पोको एक्स 3 के लिए। ये पोको एक्स 3 NFC और पोको एक्स 3 दोनों में ही वर्क करता है, सूर्या और करना दोनों में ही ये वर्क करता है परफेक्टली, दोनों के लिए ये रोम देखने को मिल जाता है, क्योंकि एंड्रॉयड 11 पे ऑफकोर्स बेस्ड। बात करें कि इस रोम में क्या अलग है, तो इसमें काफ़ी सारे आपको एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, और ये एक चाइना पोर्ट रोम है। इसमें आपको वॉलपेपर वगैरह का UI भी थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलेगा, इसमें काफ़ी चीज़ चेंज किया गया है। आप जैसा कि देख सकते हैं ये थोड़ा अलग सा रोम आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि फॉन्ट भी थोड़ा सा अलग देखने को मिल रहा है। PIP साइट वगैरह का ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे, जस्टर एनीवेयर, मतलब काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया गया है, जिसको कि आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। प्राइवेसी प्रोटेक्शन में आपको काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी प्रोटेक्शन का ऑप्शन दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे प्रोटेक्शन के आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि इसको ऑन कर देने से आपको नोटिफाई कर देगा अगर कोई ऐप कैमरा या माइक्रोफोन को एक्सेस कर रहा हो तो, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर भी देखने को मिल जाता है। ऐप बिहेवियर वगैरह का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको प्राइवेसी में देखने को मिले हैं। इसमें एडिशनल सेटिंग में आपको एज यूजुअल जो फीचर देखने को मिलते हैं, थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स आपको यहाँ भी देखने को जरूर मिलेंगे, जैसे कि पार्शियल स्क्रीनशॉट वगैरह का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। और देख सकते हैं यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर डबल टैप पावर, एप्लीकेशन फॉर डबल टैप वॉल्यूम डाउन, टर्न ऑन टॉर्च, मतलब काफ़ी सारे एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको देखने को यहाँ मिलेंगे, जो कि आपको इंडियन या ग्लोबल वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी में आपको यहाँ पे भी प्राइवेसी प्रोटेक्शन का आपको शॉर्टकट दिया गया है। इस रोम में आपको स्क्रीन टाइम वगैरह का भी ऑप्शन दिया गया है, जहाँ से कि आप देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं आपने क्या क्या किया है अपने फ़ोन के साथ, दिन भर किस किस ऐप को यूज़ किए या कितना टाइम तक आपने यूज किया अपने डिवाइस को, यहाँ से आप देख सकते हैं। इंडियन या ग्लोबल वेरिएंट में आपको डिजिटल वैल्यू मिलता है, लेकिन ये चाइना पोर्ट है तो इसमें स्क्रीन टाइम का ही आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। स्पेशल फीचर में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि गेम टर्बो, वीडियो टूल बॉक्स, फ्लोटिंग विंडो, सेकंड स्लाइट मोड और हार्ट रेट का एक आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाए, जिससे कि आप अपना हार्ट रेट मेजर कर सकते हैं कैमरा और फ्लैश पे अपना फिंगर रखते हुए, जो कि एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। अब एक्यूरेसी का तो पता नहीं कितना एक्यूरेट होगा, लेकिन ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसमें जो हमें लॉन्चर मिला है वो लॉन्चर सिस्टम लॉन्चर है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कोई भी पोको लॉन्चर देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से कि इसमें एनिमेशन वगैरह काफ़ी सही देखने को मिल जाता है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात हमें देखने को मिलती है। डायलर इसमें आपको MIUI वाला डायलर आपको देखने को मिल जाता है, कोई भी यहाँ पे गूगल डायलर का यूज नहीं किया गया है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। इससे ये बेनिफिट होगा कि आप इसमें कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह बिना दूसरे के जानकारी के कर सकते हैं। मैसेजिंग ऐप भी इसमें आपको वही देखने को मिलता है MIUI वाला ही, इसमें गूगल का नहीं दिया गया है। क्रोम इसमें आपको प्री इंस्टॉल नहीं मिलेगा, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, हालांकि प्ले स्टोर इसमें आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिलेगा, आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर पाएंगे आप जो भी ऐप चाहें, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। ये रोम प्री रूटेड आता है लेटेस्ट मैजिक 23.0 के साथ, जो कि एक काफ़ी अच्छी, अगर आप रूट करके रोम को यूज करते हैं आपके लिए एक बेनिफिशियल बात है। अब बात कर लें इसका गीक बेंच स्कोर क्या आता है, तो मैं आपको दिखा दूँ, आप देख सकते हैं इसका गीक बेंच स्कोर सिंगल कोर में 567 आया है और मल्टी कोर में
1760 है जो कि काफी अच्छा स्कोर देखने। अब बात कर लें इसके सीपीयू तो देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत थ्रॉटल तो हुआ है, लेकिन फिर भी काफी ठीक ठाक ग्राफ आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिली। गेमिंग वगैरह में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा बहुत हीटअप करे, क्योंकि ऐसे भी यार MIUI गेमिंग के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसमें ठीक ठाक आपका परफॉर्मेंस आ जाए। DRM इन्फो की बात करें तो इसमें आपको वाइडबैंड L1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है, जो कि वीडियो वगैरह स्ट्रीम करते हैं नेटफ्लिक्स वगैरह। इसमें आपको ब्राउजर वगैरह LS इंस्टॉल मिलता है, जो कि चाइनीज ब्राउजर होता है, मैंने उसे डिसेबल कर दिया, आप भी डिसेबल कर सकते हैं। और इसमें आपको म्यूजिक वगैरह भी प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है, MIUI वीडियो वगैरह भी आपको देखने को मिलता है, जिसे कि मैंने रिमूव कर दिया है। रिमूव कैसे करना है इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये तो हो गया इसके फीचर्स और इसमें क्या क्या देखने को हमें मिला है, लेकिन इसमें एक दो बग भी मुझे देखने को मिला। एक बग तो है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें एयरटेल और जियो दोनों का ही सिम इंसर्ट है, लेकिन आप देख सकते होंगे एयरटेल में नेटवर्क है और जियो में नो सर्विस है, लेकिन अगर मैं इंटरनेट को जियो में स्विच करूँगा तो फिर आपको जियो में नेटवर्क देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं जियो में नेटवर्क आ गया और इसमें नो सर्विस हो गया, या नो सर्विस की जगह पे 2G नेटवर्क भी कभी कभी आ जाता है, लेकिन एक साथ दो 4G वर्क नहीं करता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये 2G नेटवर्क आया है, एक में वोल्टी है, जैसे जियो में वोल्टी शो कर रहा होगा लेकिन एयरटेल में वोल्टी शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक टाइम पे एक ही 4G को हैंडल कर पाता है, दो दो 4G को ये एक बार में हैंडल नहीं कर पाता है, जो कि एक इसका मेजर बग मुझे लगा, क्योंकि अगर कोई अगर डबल सिम यूज करते हो तो उनको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप सिंगल सिम यूज करते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि इसको ज़रूर फिक्स किया जाएगा इन फ्यूचर, नेक्स्ट अपडेट में ये फिक्स होगा, एक बग है जो कि फिक्स हो गया। और इसमें कुछ खास बग देखने को नहीं मिलता है, बस वही एक बग था और कोई बग मुझे नोटिस नहीं हुआ है। इसमें जो थीम स्टोर आपको देखने को मिलेगा वो चाइनीज थीम स्टोर देखने को मिलता है, क्योंकि ये चाइना पोर्ट रॉम है ऑफकोर्स, इसलिए इसमें चाइनीज थीम स्टोर ही आपको देखने को मिलता है। इंस्टॉलिंग प्रोसेस काफी सिंपल है, आप वॉल्यूम अप और पावर बटन को एक साथ प्रेस किए रहिए, कुछ देर तक होल्ड किए रहे जब तक ये रिबूट ना हो जाए। अब जैसे कि देख सकते हैं अब ये रिबूट होने लगा है तो हम पावर बटन को छोड़ देंगे, लेकिन वॉल्यूम अप को होल्ड ही रखेंगे जब तक कि ये रिकवरी मोड में बूट ना हो जाए। तो जैसे ही ऑरेंज फॉक्स का रिकवरी पेज में हमारे बूट स्क्रीन पे आएगा तो हम पावर बटन को भी छोड़ देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इनक्रिप्टेड है, तो आप इसको डिक्रिप्ट करने के लिए यहाँ से फॉर्मेट कर देंगे। फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पे यस लिखेंगे, इसके बाद आप यहाँ पे ओके कर देंगे तो ये फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद आप डेल्वी कैच डेटा तीनों को वाइप कर देंगे, उसके बाद आप स्वाइप टू वाइप कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे आपका डिक्रिप्टेड हो जाएगा। उसके बाद आप फाइल जहाँ पे भी होगा वहाँ पे उसे टैप करके इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपली किसी भी रोम को इंस्टॉल करने का प्रोसेस मोस्टली यही है। तो यही कुछ आपको बताना था इस रोम के बारे में, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके इस रोम के बारे में। और साथ ही अगर अभी तक हमारे इस चैनल मल्टीटेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले आपको। चैनल पे थोड़ा सपोर्ट दिखाएं ताकि मैं इन फ्यूचर भी इसी तरह की वीडियोस लाता रहूं। तो मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।